हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल क्लासरूम प्यारे विद्यार्थियों अभी हमने फिल्म अप इस कोर्स को कंप्लीट किया है इसमें हमने जो है आपसे जो प्रोमिस किए थे उससे कितना ज्यादा डिलीवर किया है हम खड़े उतरे हैं उस पर और ऐसा मेटेरियल डिलीवर किया है जो यूपीएससी का पेपर सेटर गए और उनके क्वेश्चन बैंक में होता है बिल्कुल प्रैक्टिकल फंडामेंटल देखिए मार्च दो हजार चौबीस ये हमने प्रोमिस किया था आपको तीस अप्रैल तक पीडीएफ दे दी है एक महीने की फालतू दी है ताकि कोई ऐसा स्टेटिक क्वेश्चन आ जाए आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो जाए थ्री फुल लेक टेस्ट चार दिए हमने करंट अफेयर पे सेपरेट वीडियो इकोनॉमिक सर्वे वन ऑन वन पर्सनलाइज गाइडेंस देन एनवायरमेंट टेस्टी थ्री क्वेश्चन का बेसिक क्वेश्चन तो अब टेक्नोलॉजी मोक टेस्ट ये फर्स्ट टाइम जो है ये कललाइज किया हमने कंसेप्ट लेके आई इसमें बिट आई टी जो ना एक दो क्वेश्चन आता है हंड्रेड क्वेश्चन टेक्नोलॉजी के सेपरेट विडियोज एम एम सी मशरूम सिल्को ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यह फर्स्ट टाइम जो है हमने ये भी लोकेशन मान लिया आपका दस नंबर का आएगा पेल्ली मजिटी पेपर वन में इंटरनेशनल लोकेशन तो सारी लोकेशन क्यों ना मैप में समझाई जाए इतनी ढंग से कर दी आपका एक घंटे में रिविजन हो जाएगा एग्जाम से पहले पूरे नंबर आएंगे ये फर्स्ट टाइम फिर वाइल्ड लाइफ की जो है मैंने आपको पीडीएफ भेजी है उनके करेक्टरिस्टिक बड़े इंपॉर्टेंट जो कि आपके एनसीईआरटी और दूसरी स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं है एग्रीकल्चर बेसिक्स वीडियो पीडीएफ एग्रीकल्चर के जो है क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके मेन के लिए भी प्रीलिम्स के लिए भी हमेशा काम आएगा आपको इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट वेरी न्यू कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है इंफॉर्मेशन वो भी दे दी मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन कंजर्वेशन टेक्निक्स क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर पर क्या इफेक्ट है ये सारी चीज जो है कोशिश ये की गई है कि आपको होलिस्टिक एक ऐसी अप्रोच हो कि आपका पिलिम्स में सेफली निकल जाए और मेन में भी ये सारी जितने एम सी क्यू है स्टेटमेंट काम आए अब हम चलते हैं आज के द हिंदू पे न्यूज एनालिसिस करना सीखिए आप मेरे साथ दो हजार पच्चीस के एक्सपीडेंट्स हैं यदि रोजाना मेरे साथ वो आधा घंटा लगाएंगे तो उनको दिक्कत नहीं आएगी ना पिलिम्स में आएगी दो हजार पच्चीस में, में में और रैंक लेने में दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल आप एग्जैक्ट एक्सप्रेशन जो यूपीएससी मानती है लॉजिकल एक्सप्रेशन वो लिखोगे डीएमजे नीड एड डिजाइन चेंज इसमें ये बताया गया है कि इंप्लीमेंटेशन में जो ना क्या दिखते आ रही है क्या अचीवमेंट है हमारी जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तो ये आर्टिकल पढ़ने वाला है ये बड़े जो ना लर्निड लोगों ने जो है इसके आंसर दिए क्वेश्चन और आंसर साथ साथ है अभी आयुष्मान भारत फ्लैगशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजाइन टू मीट एस डी जी आयुष्मान भारत के दूसरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे और दिस पीएमजे वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस स्कीम फुल्ली फाइनेंस बाई गवर्नमेंट तो ये जो है इसमें क्या है मेन क्या दिया गया इसमें इट प्रोवाइड कवर ऑफ रुपीज फाइव लैख पर फैमिली सेकेंडरी एंड ट्रसरी इसमें प्राइमरी केयर नहीं है ध्यान रखना ट्रसरी केयर हॉस्पिटल जो है याद रखना सब में नहीं करा सकते और अब तक जो है बारह करोड़ से ज्यादा पुअर एंड लेबल एंड टाइटल्ड एलिजिबल इसमें सारे एलिजिबल नहीं है पुअर एंड लेबर जिनके कार्ड बनते हैं पीएमजे के कार्ड बनेंगे ना वही इसमें बेनिफिट ले सकते हैं कैशलेस है ये सर्विस बताए कि है, है, प्राइवेट सेक्टर में जो है इतना ओवरलोडेड है बेड नहीं है खास करके बिहार का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है न्यूज में फिर प्राइवेट हॉस्पिटल जो है पीछे हटने लगे उनकी पेमेंट नहीं आती है स्टेट वाइज जो है डिफरेंट उनके अलग अलग है किसी स्टेट के बहुत जल्दी आ जाते हैं किसी की बहुत लेट आती है सो देर सो मेनी चैलेंजेस प्रॉब्लम

फूड मटेरियल में तो वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एक यूएस एफडीए डी की रिपोर्ट आई है 2023 हजार तेईस के, के उनका उनको जो ना स्पेसिस और दूसरे उसमें जो है सालमोनेला मिला है सालमोनेला कंटैमिनेशन मिली है अब ये इथिलीन ऑक्साइड जो है पेस्टिसाइड है इससे रिलेटेड फिल्म में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा पक्का इस तरह के जरूर आते हैं अब ये एमडीएच और एवरेस्ट के क्या है कि इनके स्पाइसिस में हाई लेवल ऑफ इथिलीन ऑक्साइड ए प्रोहिटेड पेस्टिसाइड इथिलीन ऑक्साइड इज ए कलरलेस फ्लेमेबल गैस दैट वाज ओरिजिनली इंटेंडेड फॉर द स्टेलाइजिंग मेडिकल डिवाइसेस अब ये मेडिकल डिवाइसेस के लिए थी लेकिन ये इससे फ्यूमिगेशन करते हैं ना तो कंटेमिनेशन देती फंजाई बैक्टीरिया वायरस से कंटेमिनेशन खत्म हो जाती है इसलिए ये करते इसके रेजिड्यू रह जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा क्या रोल है हमारी जो है सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन उसका क्या रोल है है ये सारे इसमें जो है, बड़े अच्छी तरह से बताया गया इन्वेस्टिगेशन इनटू पॉसिबल कंटेमिनेशन ऑफ इंडियन ब्रांड्स एच और एवरेस्ट मैनेजर से बताया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ऑक्साइड ये आपने याद रखना है इथिलीन ऑक्साइड केमिकल यूज एज फूड स्टेबिलाईजर बियॉन्ड परमिशिबल परमिशिबल लिमिट से ज्यादा मिलेगा तो नहीं चलिए नोट करना बैक्टीरियान एमडीएच एवरेस्ट स्पाइस एलर्जी कंटेन हाई लेवल ऑफिल ऑक्साइड पेस्टिसाइड कितना इंपॉर्टेंट है यह मतलब इंटरनेशनल न्यूज है और इंडिया से रिलेटेड है अब ये आपने याद रखना क्रोनिक एक्सपोजर टू इथिलीन ऑक्साइड इन ह्यूमंस कैन काज इरिटेशन ऑफ आइज स्किन नोज थ्रोट लंग्स एंड डैमेज टू ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम एक्सपोजर टू इथिलीन ऑक्साइड इंक्रीज रिस्क ऑफ लिम्फॉइड कैंसर एंड फॉर फीमेल ब्रेस्ट कैंसर इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये सारे नोट्स बढ़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के आप अब ये इसमें देखना तीन क्वेश्चन मैंने निकाले स्ट्रक्चर के ऐसे क्वेश्चन आएंगे

2023 में 22 में बार डिस्कस हुआ है कब सिरप में इंडियन मेड कब सिरप में क्या मिला इथिलीन ग्लाइकोल इससे कंफ्यूज नहीं करना ऑक्साइड से आपने इथिलीन ग्लाइकोल मिला कब सिरप में उसकी वजह से काफी बच्चों की डेथ हुई कौन-कौन से कंट्री में हुई पूछेंगे प्रीलिम्स में नंबर 1 कैमरून Gambia इंडोनेशिया उज्बेकिस्तान ये चार कंट्री है क्योंकि तो ये 2023 की न्यूज़ है इसलिए एग्जाम में आएंगे ये क्योंकि मैं चार घंटे न्यूज पेपर बढ़ देता हूँ पोलिटिकल न्यूज भी से वो निकालने की कोशिश करता हूं भी किसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें कैसी प्रॉब्लम हो ट्राइबल की एस की पिकर सेक्शन की या कोई एग्रीकल्चर की ऐसी फैसिलिटी हो जो हमारे पेलिंग में आएगी ये नंदूर बार कॉन्स्टिट्यूंसी है महाराष्ट्र में वहां पे आदिवासी कैंडिडेट खड़े हुए तो उसमें ये प्रॉब्लम लिखी है इन्होंने कि मैं क्या सोल्व करूंगी क्या प्रॉब्लम है आदिवासियों को माइग्रेशन की जैसे इन्होंने लिखा है माल न्यूट्रिशन सिक्कल सेल अनिमिया

चार पांच स्पीशीज़ तो इसी में दे दी ये प्रिलिम्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है बार बार आ रहा है पूरा साल आता रहे ऐसे नोट बनाओगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको किसी मैगजीन में नहीं मिलेंगे इस तरह से चार के चार एक जगह मिल स्पीशीज तो ये आपने जाए है मेन वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट बार बार दे रहा हूं कल के लिए और महीने के लिए महीने में भी आएगा क्या गवर्नमेंट मैयर जाए क्या रीजन है क्यों हो रहा है ऐसा इसमें एक रीजन ये है कि इन्वेजिव स्पीसीज जो है एक्जोटिक वो हमारी लोकल ग्रासीज हैं लोकल वेजिटेशन उसको खत्म कर रही है दे आर स्प्रेडिंग वेरी फास्ट अब केरला गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वो लोकल ये स्पीसी लगा रही है इंडीजिनस रीजन वाइज जो ये लाइक करते हैं एलिफेंट ताकि ये मैन और उनके उनके साथ ना उनकी बस्तियों में ना जाए अब ये पोक्सो एक्ट ऑब्जेक्टिव पोक्सो एक्ट आपके एग्जाम में हर अल्टरनेट ईयर पे आ सकता है इससे इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन में मानता नहीं क्योंकि बच्चों से रिलेटेड है उनके वायलेंस से प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस और इसमें जो भी अमेंडमेंट हुए हैं सारे आपको पता होना चाहिए क्या एज है पोक्सो एक्ट में पूरे पता होना चाहिए इसको आप अच्छी तरह से कर लो कभी भी आपको दस नंबर दिलवा सकता है में मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगेगा कंसेप्ट स्टोक होम सिंड्रोम क्या होता है स्टोक होम सिंड्रोम ये नई कंसेप्ट ऐसे कंसेप्ट दो नंबर के, के आएगा किसी ने नहीं, नहीं सुनी अब ये स्टोक होम सिंड्रोम होता है साइकोलॉजिकल बॉन्ड विर आईजेकर अब ये मैं रोजाना आपको बताता हूं वर्ल्ड पेज पे ऊपर चार पांच ये लिखे होते हैं छोटे छोटे कॉलम आते हैं पांच कंट्री के

हर एक कैपिटल लिखे कैपिटल याद हो जाएगी इनका ये है है कैपिटल है। तो आपको ये आसपास पास के सारे पता होना चाहिए इस बार पैसिफिक आइलैंड जो है पैसिफिक ओशन का आइलैंड का एक क्वेश्चन आएगा मैंने बहुत सारे एम क्यू दिए आपको अब ये साइंस पेज में रोजाना एक या दो क्वेश्चन देता हूं मैं लिक्विड नाइट्रोजन का क्या रोल है वट इज लिक्विड नाइट्रोजन क्या इसका रोल है तमिलनाडु फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हैड ए सर्कुलर ऑन यूज ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन सेइंग सब्सटेंस कैन ओनली बी यूज टू प्रिजर्व पैकेज फूड ये कह पैकेज फूड में इस्तेमाल हो सकता है वैसे नहीं हो सकता ये और जो है माइनस वन नाइनटी सेवन डिग्री पे ये कैंसर के जो ना ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है कि कैंसर का जो ट्यूमर उसको इलाज करने के लिए यूज किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन अब ये मॉन्की पॉक्स एमपोक्स के नाम से जाने जाते हैं ये वायरल डिजीज ये आज एक्सप्लेन पेज पे है। इसके मैंने इतने एमसी क्यों दिए क्वेश्चन आएगा इसका क्या है कॉन्गो में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रिपब्लिको में लार्जेस्ट आउटब्रेक है वर्ल्ड में और अफ्रीकन कंटिनेंट से एक क्वेश्चन आएगा इस बार मीपोक्स पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका इसको आप अच्छी तरह से इसमें नोट्स बना लो देखना मैंने कैसे इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखे एम एमपोक्स जब वायरल डिजीज काज बाई मोंकी पॉक्स वायरस ए स्पीसीज ऑफ द जीनस और पॉक्स वायरस कॉमन सिम्टम क्या है जो दो से चार वीक तक रहते हैं म्यूकस लीजन और स्किन रेश जैसे स्मॉल पॉक्स में ना उस तरह के रेशिज बनते हैं इसलिए इसका नाम पॉक्स रखे है फीवर होता है फिर हेडेक मसल एक्चिस बैक पेन लो एनर्जी एंड स्वोलन लिफ लोस मंकी पॉक्स कैन बी ट्रांसमिटेड टू हुल कंटेक्ट विद समस विद कंटेमिनेटेड मेटेरियल और विदेक्टेड एनिमल्स अब डब्ल्यू एच ओ ने कह सेक्सुअल जो है ट्रांसमिशन भी है इसकी वो भी जो है सिद्ध कर दी तो इस तरह के क्वेश्चन आपको निकालने हैं इस आर्टिकल में से बहुत सारे निकालेंगे मैंने कम से कम चार पांच क्वेश्चन निकाल दिए अभिया इंडियन एक्सप्रेस में हाउ टू डिसाइड डोमेस्टिक वायलेंस डेमेजेज इंजरी और एबिलिटी टू पे ये कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है क्वेश्चन टू के जो आई एस की कैपेसिटी बिल्डिंग है वो इन्हीं क्वेश्चन से होती है इन आर्टिकल से इसीलिए यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन लेकर आती है फिल्म से और मेन में, में. कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है उसमें डेमेजेज और इंजरी के बेस पे करे और एबिलिटी टू पे भी जो जिसने कसूर किया है उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है एबिलिटी क्या है उसपे बेस पे या इंजरी कितनी हुई है फिजिकल इंजरी, मेंटल इंजरी कितनी हुई है तो इसको आप जो है एक तो ये ध्यान रखना डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट मीन पूरा नाम लिखना आपने द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 डीवी एक्ट कहते हैं इसको इसमें जो है कंपनसेशन कैसे दी जाती है क्या क्या इंजरी है अब इसमें से मैंने क्वेश्चन बनाया है देखना कंसिडर वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज इकोनॉमिक अब्यूज फिजिकल अब्यूज सेक्सुअल अब्यूज मैंने चार अब्यूज दिए इस एक्ट में इनमें से कौन कौन से इस एक्ट में लिए जाते हैं तीन है दो है या एक है जो द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में इन चारों में से कौन से अब्यूज है देख रहे हैं आप इसमें चारों अब्यूज है साइकोलॉजिकल या इसको आप जो है इमोशनल कह सकते हैं वर्बल भी है इसमें वर्बल को भी माना गया है

और इसका आउटपुट बड़ा जबरदस्त आएगा अब देखना लेकिन मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा मैं ये रोजाना कर रहा हूं न्यूज आप खुद बना लो अपने क्वेश्चन जैसे मैं हूं उन बच्चों को जो रजिस्टर करेंगे उनको पीडीएफ रेगुलर जाएगी इसकी बाद में उनके मॉक टेस्ट ये सारी चीज तो मिलेगी उनको टेटिक के भी मिलेंगे एग्रीकल्चर के भी वाइल्ड लाइफ एवरीथिंग जो भी हम दे सकते हैं मैक्सिम पूरे साल में ताकि ऑब्जेक्टिव क्या है सीमलेस सेफ्टी से कंफर्टेबली क्लिम्स हो जाए और मेन में आपके कम से कम मेरी वजह से यदि पचास नंबर बढ़ जाते हैं तो मैं समझूंगा मेरे स्कॉर्स का फायदा है ये जरूर है अपनी जजमेंट से देखो कि कैसे क्वेश्चन है कैसे मैं पढ़ाता हूं यदि आपको सूट करता तो जरूर ज्वाइन करो और मेरे से कोई बेटर है जो रोजाना आपको 10 15 एमसीक्यू दे दे रोजाना न्यूज़ निकाल के दे दे यह पढ़नी है आपने आपका 3 घंटे रोज बचा दे न्यूज़पेपर के स्टैटिक का भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एनवायरमेंट जो आपके सीधे हिट करें फिल्म में फिर तो मेरे साथ करें यदि मेरे से कोई बेटर है तो फिर आप सो सकते हैं अपनी जजमेंट कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच